good evening. First of all, Happy New Year to everyone. This is me, Deepak Agnihotri, and on the 2nd of January 2024, I am actually very, very pleased to be joined by a celebrity, a social media influencer, content creator, who lives by the line of whatever happens, happens for a reason. I am very, very excited for this show tonight. I am Deepak Agnihotri, your host, and you are listening to INSA Student Radio Hour. So, welcome and Happy New Year. जैसा कि मैंने आपको बताया, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, इतना एक्साइटमेंट मैंने क्रिएट किया. Let me introduce the name, Nishant Shisagar, Indie Traveler, who is joining us for tonight's show. Without any delay, please welcome Nishant. Hello, Nishant. Hello, namaste, good evening, and Happy New Year, Deepak ji, first and foremost. And I'm very, very thankful कि आपने you know show पे बुलाया and then you're having me here. So, I mean, you sugar-coated everything, celebrity वगैरह 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 बोल दिया. On that note, let's start with the question of, can you introduce who is Nishant Shisagar, or shall we say Indie Traveler? So, yeah, I mean, let's get comfortable. First, I would say Nishant Shisagar is, I mean, when I came here with no tag. So I just came here with Nishant Shisagar and now it became Indie Traveler and everything. But then back then when I came here first, so I came to master's karne ke liye, master's in mechatronics, Glasgow University. Mein. I came here as a student with a dream ki yahan pe ek din settle ho jaunga, bahut saare log idhar, jaise paise kamaunga, settle ho jaunga. But I, like so many other people, mera koi yahan pe tha nahi, koi rishtedar, koi ye wo. तो इतना कुछ ये नहीं था कि यार कोई पापा चाचा वाचा के यहाँ पे रुकने वाला हो, ऐसा कुछ नहीं था. कोई मामा था वो, कोई नहीं था. तो एंड मतलब फ्रेंड भी नहीं था कोई आसपास. तो आई न्यू एक्चुअली नोबडी यूके में, किसी को बिल्कुल नहीं पहचानता था. तो कोई आउट इन्फॉर्मेशन का कोई सोर्स ही नहीं था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. जो भी यूट्यूब इंस्टाग्राम दिखता था, बस वही था. तो आया यहाँ पे एंड देन आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ स्टूडेंट. तो उस समय मैंने पहला ब्लॉग बनाया एक ऐसे यूट्यूब पे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मैं इसका नाम क्या दूँ, नाम क्या दूँ. तो देन आई स्टम्बल्ड अपॉन कि यार इंडी इज़ बेसिकली, बहुत लोग ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. तो लेट्स क्लियर दिस आउट आज कि इंडी का मतलब इंडिपेंडेंट है, इंडी का मतलब इंडिया नहीं है. लोगों को लोग काफ़ी लोग आके ये भी कहते हैं कि अच्छा आपका वो चैनल इंडिया ट्रैवलर, अरे नहीं यार इंडिया नहीं, इंडी है. एंड आई ऑल्सो से इन माई मतलब स्लोगन में लिखता हूँ कि बी इंडी. सो बी इंडी इज डोंट बी मी बट बी इंडिपेंडेंट. तो दिस इज हाउ द नेम केम अप कि इंडिपेंडेंट ट्रैवलर, मतलब सोलो ट्रैवलर. ओके. तो दिस, हाँ दिस इज, तो मेरा ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट था एंड एवरीथिंग. तो फिर मैंने सोचा कि ट्रैवलिंग के ऊपर बेस्ड एक चैनल बनाते हैं एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. तो मैंने वैसे उसको नाम दिया इंडी ट्रैवलर. क्या बात है, आई डोंट थिंक सो मेनी पीपल विल नो दिस. नहीं पता लोगों को, सब लोग सिर्फ इंडिया से ज्वाइन कर लेंगे और आप इंडिया के ट्रैवलर. एग्जैक्टली, हाँ एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि इंडी इज फॉर इंडिपेंडेंट. यस, क्या बात है. जैसे कि आपने कहा कि यू केम हियर एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, आप आए थे विद अ नेम निशान सी सागर, और अब इतनी सारी चीजें जुड़ गई हैं. यू मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ दैट. मतलब कभी कभी एक जब अचीवमेंट हिट हो जाती है तब लगता है कि कर लिया कुछ, बट देन फिर लगता है कि यार कुछ नहीं कर रहा हूँ. क्योंकि आई केम हियर विद अ ड्रीम कि कुछ करना है, यूके पूरा अपना बनाना है. तो वो अभी तक हुआ नहीं है. तो जिस दिन वो हो जाएगा मे बी उस दिन लगेगा, पर वो प्राउड वाला फील नहीं आता. बस थोड़े गूज़बम्स आते हैं कभी कभी कि ये अच्छा कर लिया, चलो ये सही कर लिया, वो कर लिया. कि जैसे मैंने बताया कि मैं अकेला आया था, किसी को पहचानते नहीं था, और आज रास्ते में लोग मिलते हैं, पहचानते हैं, फोटो निकालते हैं. तो ऐसा लगता है कि यार मतलब कितने लोगों को ये कर लिया, मतलब you know वैसे. But okay, just for people if they don't know, Indie Traveler, his current following is 136,000 on Instagram. Is it correct, sir? 137 हो गया अभी, पर अरे वाह क्या बात है, latest updated figure 137 हो गया. Last I checked was 136, sir. But again, that shows the impact and reach. So how did you get in from an international Indian student who just lands here in Glasgow to do a master's? I think aise bahut sare log honge. Why did you choose the path that you choose, and how did you take up this Indie Traveler thing to a level where you have reached to?
मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई केम हियर फॉर, तो क्योंकि मैंने इंडिया में मतलब मैकेनिकल में डिप्लोमा करा था, एंड देन उसके बाद आई वेंट ऑन टू डू, सो आई कम फ्रॉम नागपुर सिटी, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र, दैट्स वेयर आई कम फ्रॉम, एंड देन आई वेंट ऑन टू डू माई अंडर ग्रेड मैकेनिकल में, सेम पुणे में. तो उसके बाद फिर मेरा जर्मनी जाने का प्लान था कि यार चलो जर्मनी अच्छा चलते हैं. हाँ मतलब ऑब्वियसली मैकेनिकल तो सारा ऑटोमोटिव, ऑटोमोटिव का जितना भी हब है वो सारा जर्मनी में है. तो एवरी मैकेनिकल और ऑटोमोटिव, ऑटोमोटिव गाय विल यू नो इवेंचुअली टर्न इनटू कि चलो मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ये सब कहाँ पे, तो ऑडी वॉडी, तो जर्मनी में, तो चलो जर्मनी चलते हैं. ऊपर उससे ट्यूशन की फीस जो होती है वो भी जर्मनी में सस्ती होती है, तो जर्मनी वॉज द थिंग. तो जब मैं थर्ड ईयर में था, आई थिंक अंडर ग्रेड कर रहा था, तब मैंने जर्मन क्लासेस लेना भी शुरू कर दिया था थर्ड या सेकेंड ईयर में. तो मैंने, सुनना हाँ मैंने जर्मन लेवल 1 किया, लेवल 2 किया, लेवल 3 के लिए मैं कर रहा था. तब मुझे मेरा एक दोस्त आता है, इट्स वेरी फनी स्टोरी, कि मैं कैंटीन जाता हूँ कॉलेज के, एंड देन आई वॉज सिटिंग देयर विद ग्रुप ऑफ माई अदर फ्रेंड्स, और मेरा एक दूसरा दोस्त आता है, वो बैठता है. मैं कहा कि कैसे चल रहा है, जर्मनी जा रहा है तू? कहता है यार जर्मनी नहीं जा रहा हूँ, यूके जा रहा हूँ. मैं कहा क्यों? कहता है यार वो ब्रेग्जिट की वजह से 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिल रहा है. मैं कहा अच्छा, तो मैं कहा तू तो जर्मन वर्मन सीख, वो भी मेरे साथ ही था, जर्मन सीख रहा था. पर देन वो कहता कि मैंने, फिर मैं कहा ये इतनी सारी जर्मन सीख लिया उसका क्या करेगा? कहता नहीं यार वहाँ पे तो इंग्लिश है ना, तो अभी जर्मन सीख, क्योंकि जर्मन एज इन लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है यार, उनका देयर दी दास आर्टिकल्स बहुत सारी चीज़ें होती है. तो हमने बहुत ट्राई किया उसको, 1 साल हमने सिर्फ जर्मनी सीखने का ट्राई किया सारा सब भूल के, लेकिन वो नहीं हो पाया. तो वो कह रहा था कि यार इंग्लिश है, इंग्लिश, यूके चलते हैं, ऊपर से 2 साल का पीएसडब्ल्यू है, अच्छा है चल लेते हैं, 1 ही साल का मास्टर्स है. मैं कहा यार सही है. तो उसने मेरा मतलब 2 मिनट में ब्रेन वॉश करा है, 2 मिनट में. इतना फास्ट मैं लाइफ में कभी ब्रेन वॉश नहीं हुआ जितना मेरे को उसने कर दिया. मैंने मेरे लाइफ के जो प्लान्स थे, मैं कहा जर्मनी जाना है, मैंने अपने इधर जर्मन फ्लैग वैग लगा रखे, ये वो, मैं कहा जर्मनी जा रहे, सब हट गया, सब हट गया 2 मिनट में. एंड देन आई वाज लाइक कि चलो अभी चलते हैं यूके, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड यूके का एप्लीकेशन, कि यूके में जाना है, इधर देखना है, उधर देखना है. फिर मैंने ऑब्वियसली कंसल्टेंसी के पास गया, उन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशन कराई. तो ग्लासगो वॉज, क्योंकि मैंने एक मूवी देखी थी शाहिद कपूर की, मौसम, तो मौसम उसमें वो शायद ग्लासगो एडिनबरा में शूट हुआ था, तो तब से वो दिमाग में बैठा हुआ है. एंड दैट मूवी केम आई थिंक 2010 के पहले कभी, तो आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, बट उस समय वो आया था ना. आई वाज लाइक यार ग्लासगो कितना मेस्मराइजिंग है, स्कॉटलैंड इन इटसेल्फ कितना ब्यूटीफुल है. तो मेरा वो जर्नी और वो हैरी पॉटर वाला वाइब, नॉट अ हैरी पॉटर फैन अगेन, बट इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं, कहते हैं यार मैं तो आया इसलिए हूँ क्योंकि हैरी पॉटर का फैन हूँ. यार मैं हैरी पॉटर का फैन नहीं था, पर मैंने वो देखा कि कितनी अच्छी सिटी है एंड ऑल स्कॉटलैंड, तो मुझे स्कॉटलैंड आना था, एंड ग्लासगो यूनिवर्सिटी में मिल गया, तो आज लाइक कि चलो यहाँ चलते हैं. क्या बात है। तो आप ब्रेन वॉश हो गए, ब्रेन वॉश होने के बाद कहाँ जर्मन पढ़ रहे थे, एंड कहा आई थिंक यूके आ गए. सिमिलर टू मी, आई वाज एक्चुअली स्टडीिंग फ्रेंच भाई, मैंने यकीन होगा मैंने जमापेल दीपक भी पढ़ा था, तो आता तो मैं पूछ रहा, बट आई थिंक अगेन इट्स इंटरेस्टिंग टू एक्चुअली सी दैट आप ग्लासगो आ गए। एंड हमारे जैसे इंडिया में होता है ना, बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं कि लंदन कैसा है, हाँ एडिनबर्ग कैसा है, हाँ इंग्लैंड की एक 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 छवि है जिसे हम मना के रखते हैं, एंड आई थिंक दैट एक्चुअली इंस्पायर्स लॉट ऑफ पीपल टू से हाँ, बट देन व्हाई डिड यू चूज ग्लासगो, इज देयर एनी रीजनिंग कि आपको यहाँ पे कोर्स मिला और आपको किसी ने रेकमेंड किया और आपने कोई रिसर्च करी उससे पहले, एंड देन हाउ डिड यू फाइंड इट? रिसर्च तो की मैंने, जो आजकल आई थिंक जो बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे यूके पढ़ने के लिए बस, ठीक है, क्योंकि एडमिशन इजीली मिल जाती है, तो वो लोग रिसर्च नहीं करते. लेकिन मैंने रिसर्च करके आया था कि मुझे क्या करना है. मैंने देखा कि मेरा जो कोर्स है मैकेट्रॉनिक्स, वो क्या ग्लासगो में, मतलब ओवरऑल यूके में क्या रैंकिंग है उसकी, तो ग्लासगो यूनिवर्सिटी में उसकी रैंकिंग अच्छी थी, ग्लासगो का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, और मैंने जैसे बोला कि मुझे स्कॉटलैंड जाना ही था, तो ग्लासगो एडिनबरा कहीं जहाँ मिल जाता वहाँ पे मैं चले जाता. तो मैंने ग्लासगो यूनिवर्सिटी के वैसी एप्लीकेशन डाली थी, और ग्लासगो लिस्ट में था टॉप में, और तो मैंने कहा कि चलो ग्लासगो चलते हैं. बट अगेन मुझे इंग्लैंड से ना पहले से ऐसा लगता था कि यार इंग्लैंड नहीं जाना चाहिए, कि ऑलरेडी ज़्यादा लोग हैं, थोड़ा मुझे लगता था कि इंग्लैंड थोड़े इंग्लिश लोग थोड़े पॉश होते हैं, तो वैसे टाइप का मेरे दिमाग में था. तो मैंने ये था कि यार मेरे को इंग्लैंड तो नहीं जाना है, पर स्कॉटलैंड जाना है. तो स्कॉटलैंड हाँ था हमेशा, और क्योंकि ट्रैवलिंग अगर आप करने का दिमाग में सोच रहे हो, तो स्कॉटलैंड हाईलैंड से बेटर क्या ऑप्शन है. अच्छा, सो नाउ इट अलाइंस ऑन दैट स्पेसिफिक नोट भैया, जस्ट टू लेट मी नो, आपने बोला कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, नहीं करते हैं, आपके एक्सपीरियंस में व्हाट एडवाइस वुड यू गिव अगर कोई यहाँ पर सुन रहा है, कि वो सुन रहा है कि दिल्ली में है, नागपुर में है, पुणे में, हैदराबाद में है, व्हाट दैट द स्टूडेंट शुड लुक और डू व्हेन दे आर लुकिंग एट रिसर्चिंग फॉर द यूनिवर्सिटी कोर्स? आई थिंक ये मत देखो कि तुम्हें पार्ट टाइम में कितना कितना कहाँ पार्ट टाइम मिलेगा, जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब देखने से पहले
तुम जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो ऐसा मत करो कि तुमने 10 एप्लीकेशन करी है उसमें से तुम्हें 5 यूनिवर्सिटी तो चाहिए भी नहीं, 5 टॉप 5 ही है जो तुम्हें चाहिए, जो तो टारगेट कर रहे हो वो मिल रही है, दूसरी 5 तो तुम्हारे काउंसिलर ने बस डाल दी है क्योंकि वो तुम्हें मिल जाए तो मिल जाए, तो उस 5 में तो जाओ ही मत जिसमें तुम्हारा मन नहीं है क्योंकि पैसा वेस्ट मत करो। तो पहले तो शुरू होती है यूनिवर्सिटी का रिसर्च आपका, कि रिसर्च कैसे कर रहे हो, एज इन कि आप यूनिवर्सिटी कौन सी जा रहे हो, क्योंकि आजकल यहाँ पे इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई है ना जो नहीं है काम की, नहीं जाना चाहिए, मतलब वहाँ पे है ही नहीं, वैल्यू नहीं है, जहाँ पे आपके एजुकेशन को आपके कोर्स को वैल्यू ऐड नहीं हो रही वहाँ जाके क्या मतलब है। तो जो आपने 4-5 या जो भी आपने अपना कोर्स देखोगे, जैसे मेरा मेकाट्रॉनिक्स आया, किसी का मैकेनिकल होगा, किसी का ऑटोमोबाइल होगा, डेटा साइंस हो गया, तो वो लोग जाके पहले देखो कि वो कोर्स का वैल्यू क्या है, क्या रैंकिंग है यहाँ पे यूके में, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या रैंकिंग है, क्या उसमें तुम्हारी यूनिवर्सिटी कहीं पर स्टैंड करती है। बहुत सारी यूके की ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है, लोगों को लगता है यूके की यूनिवर्सिटीज़ बहुत इलीट है ये वो, लेकिन जब आप देखोगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ तो मतलब 100 300 400 के बाहर है, कुछ कुछ तो हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ऊपर इनसे। तो आई थिंक पहले ये रिसर्च करनी ज़रूरी है कि तुम ज़बरदस्ती यूके सिर्फ घूमने ना जा रहे हो, कुछ काम करने जा रहे हो, मतलब जो रिसर्च जो भी तुम्हारा काम है, मास्टर्स है, अंडरग्रेड है, जो भी तुम करने जा रहे हो वो देखो कि उसमें वो रैंकिंग है। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जैसे अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ या ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ तो मैं देखूंगा कि उनके पास रोबोटिक्स की लेबोरेटरी है या नहीं, उनके पास क्या क्या है, क्या क्या कोर्स वो करा रहे हैं, वो कोर्स में मॉड्यूल्स उनके देखूंगा, एंड मॉड्यूल्स देखने के बाद मुझे अगर सेटिस्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि मॉड्यूल जो भी आप कितनी भी, अगर लेट्स से आपके पास 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 5 यूनिवर्सिटीज़ में आपके सेम कोर्स है मैकेट्रॉनिक्स, और आपको 5ों के मॉड्यूल्स देखने हैं, पहले तो ये मैं सबको कहता हूँ मॉड्यूल चेक करो, क्योंकि सारों के मॉड्यूल्स अलग रहेंगे भले कोर्स सेम हो, सारी यूनिवर्सिटीज़ में मॉड्यूल्स अलग रहेंगे, तो आप देखो कि आपको कौन से मॉड्यूल में ज़्यादा इंटरेस्ट है। हो सकता है कि आपको सेल्फ ड्राइविंग कार में इंटरेस्ट हो तो वो उसमें ले लो, या आपको रोबोटिक्स में इंटरेस्ट हो, या आपको PLC और SCADA में इंटरेस्ट हो तो आप उसमें जाओगे, और वो जो मॉड्यूल्स है वो आपको दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं दे रही हो, वही दे रही हो, तो फिर आपको वो रिसर्च करना ज़रूरी है। ये मत देखो कि सिर्फ ये अच्छा है वो अच्छा है, आपको बहुत डेप्थ में रिसर्च करनी होती है, उसके बाद आप जो सिटी में रहोगे, फॉर एग्जांपल मैं ग्लासगो जा रहा था, मैंने ग्लासगो का मार्केट रिसर्च इस तरीके से किया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, indeed.co.uk पे जाके, read.co.uk, CV Library, बहुत सारी वेबसाइट्स है, तो ऐसे वेबसाइट्स पे जाके मैंने देखा, मैंने दोस्तों को, मतलब दोस्त यानी मतलब जो जिनको मैं YouTube वगैरह से मिला था, LinkedIn से जिनको मैंने मैसेज किया था, जो यूनिवर्सिटी के एलुमनाई थे ग्लासगो के, उनको मैंने LinkedIn से चेस किया, सबको चेस किया जो जो मेरे कोर्स से हो चुके थे, और उनको पूछता था मैं कि क्या ये वर्थ इट है, क्या ये वर्थ इट, अभी आप कहाँ पे हो, अभी 2 साल हो गए आपको कोर्स करके, अभी आप क्या जॉब मिला है क्या नहीं मिला है, तो वो किया मैंने, उसके बाद उनसे पूछा कि क्या है वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है, फिर इंडीड पे देखा, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि यार इतने जॉब्स है, आपको वहीं पे लिस्टिंग से समझ में आ जाएगा, अगर लिस्टिंग इतनी नहीं है या जॉब्स इतने अवेलेबल नहीं है आपके फील्ड से रिलेटेड, तो वो सिटी जाके मतलब नहीं है, तो 2 साल तो आपको उस सिटी में निकालने पड़ेंगे कैसे भी, 1 साल आपका कोर्स रहेगा, 1 साल बाद आप कोई इतना अफोर्ड नहीं कर पाओगे कि किसी और सिटी सिर्फ ऐसे ही चले जाओ सिर्फ जॉब ढूंढने के लिए, तो आपको ये देखना है कि कौन सी सिटी क्या, तो ऐसा बहुत सारा बैकग्राउंड रिसर्च होता है, इसके लिए तो मैं यूट्यूब पे भी वीडियो बनाता हूँ तो वो भी देख सकते हो, ये तो रेडियो से थोड़ा छोटा पड़ जाएगा इसके लिए। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, और आई थिंक अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो जरूर इंडी ट्रैवलर को फॉलो कीजिए, एंड देन जस्ट ऑन दैट नोट यू आर लिसनिंग टू मी दीपक अग्निहोत्री ऑन इंसा स्टूडेंट रेडियो आवर व्हिच हैपेंस ऑन एवरी ट्यूसडे 9 PM टू 10 PM, एंड टुडे माय गेस्ट इज निशांत क्षीरसागर इंडी ट्रैवलर। जैसे आपने बताया बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि जॉब देखना, मॉड्यूल्स देखना, मॉड्यूल्स के बाद रिसर्च करना, एंड मेकिंग श्योर दैट यू आर गोइंग टू द राइट यूनिवर्सिटी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप यहाँ पार्ट टाइम जॉब नहीं पढ़ने आ रहे। एग्जैक्टली हाँ, क्लियर विजन ऑफ व्हाई यू आर कमिंग, आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई थिंक आपका जो गोल होता है कई बार ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा मिसलीडिंग होता है, उसकी वजह से कई बार हम हॉट वाटर में आ जाते हैं, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अपना ड्यू डिलीजेंस करना, चाहे एलुमनाई से पूछना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, लिंक्डइन का इस्तेमाल करना, जॉब्स के लिए इंडीड या रीड ऐसी वेबसाइट्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, बट यू नीड टू डू दैट डेफिनेटली। अच्छा भैया आप आ गए ग्लासगो है ना, क्या आपने जैसा मौसम में देखा था या सोचा था वैसा ही आपको स्कॉटलैंड मिला, आपकी ट्रैवलिंग को लेके या आपकी परसेप्शंस को लेके, और क्या क्या शॉक टू द सिस्टम थे या नहीं थे या बहुत अच्छा था? मतलब जो कहते हैं ना कल्चरल शॉक, तो कल्चरल शॉक इस तरीके से हुआ ना पहले 2 हफ्ते में कि मतलब मैं संभाल ही नहीं पाया खुद को कि यार क्या चल रहा है मेरे आसपास। पहले तो मतलब ना पहले तो नहीं समझ ही नहीं आता, मतलब सर कैसा होता है कि पहले तो आपकी नाक बहने शुरू हो जाती है, ठीक है आते बराबर, मैं आया था सितंबर में, ठीक है सितंबर के स्टार्ट में आया था मैं, एंड मेरी नाक ऐसे बह रही है, मैं रुक ही नहीं रही, मैं क्या करूँ, मैं कॉटन डाल दूँ क्या नाक में बाहर निकलते समय, तो
तो नाक बहना रुक नहीं रही है, वो वहां से प्रॉब्लम शुरू हुई। मैं तो क्वारंटीन में आया था ना, तो क्वारंटीन 10 दिन पहले रुको अंदर एंड देन वहां पे। और उस समय अभी मैं हाइपर एक्टिव इंसान हूँ, ठीक है, मुझे आप बंद कमरे में ज्यादा देर बिठा के नहीं रख सकते, मेरे को बाहर भेजो, मैं एक्सप्लोर करूंगा, मैं लोगों से मिलूंगा, मैं वैसा पर्सनैलिटी है मेरी। तो मुझे 10 दिन के लिए कैद करने का सोच रहे थे लोग, तो मैं नहीं रहा, मैं 1 दिन क्वारंटीन में था और फिर बाकी दूसरे दिन मैं थोड़ा बाहर निकला, ये क्योंकि दिमाग इतना क्यूरियस था ना कि यार यूके आ गया, मैं घर वालों की कॉल आ रहे हैं, मामा मासी कॉल कर रहे हैं, कह रहे किधर है, दिखा, मैं रूम थोड़ी दिखाऊंगा हर बार यार, या विंडो थोड़ी खोल के दिखाऊंगा, तो मुझे भी तो बाहर का दिखाना है कि पहली बार यूके आया हो। तो वो मैंने किया थोड़ा सा कि बाहर निकला, देखा मैंने क्या है, लोगों को भी लेके गया जबरदस्ती, चलो चलो थोड़ा गार्डन वार्डन दिखाता हूँ क्वारंटीन में, पास पास ही गए। और फिर वो तो आपका किस किट विट डालने के लिए जाना ही था वैसे भी, तो मुझे लगा कि चलो घूम लेना चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कल्चरल शॉक जो मुझे लगा वो था ये कि एक तो हीटर जो होता है यहाँ पे, हीटर का हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं एक बार क्या कहते हैं, एक दो बार रशिया गया हूँ, तो रशिया में थोड़ा मेरा पाला पड़ा था हीटर से, पर उसके बाद मतलब वो काफ़ी टाइम हो गया था उसको, तो मुझे इतना याद नहीं। तो मैं जब सोने लगा, पहली रात थी मेरी यहाँ पे ग्लासगो में, एंड देन हीटर चालू किया, मतलब मेरा गले तक ऐसा भर गया और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, मतलब चोक हो गया मैं ऐसे, आज लाइक क्या चल रहा है ये। फिर दूसरे 2-4 दिन बाद हम लोग ऐसे कुछ दोस्त मिले और वो लोग कह रहे हैं उनके साथ सेम एक्सपीरियंस हो रहा है, तो कोई एक निकला, कोई होता है बत्ती वाला, तो वो भाई साहब, तो भाई साहब ने बताया कि देखो ऐसा होता है कि अगर तुम एक कुछ ग्लास में कुछ पानी वानी रख दो तो वो थोड़ा सा हीट कम हो जाएगा, हीटिंग जो भी है, तो उससे तुम्हें वो सफोकेशन नहीं होगा, या विंडो खोल दो या ऐसा कुछ कर दो। तो तब से फिर वो मतलब ये हमें नहीं पता था ना हीटर वीटर का क्या चक्कर होता है, हीटर नहीं पता, ये ठंड का कैसे जुगाड़ करना, फिर हर 2 मिनट में बारिश हो रही है, हर 2 मिनट में धूप निकल रही है, हर 2 मिनट में ठंड हवा कुछ भी चल रहा है। मैं कहा इंडिया में कम से कम सेम मौसम तो होते थे कि भाई ये 3 महीना बारिश आ रही है, 3 महीना थोड़ी ठंड है, बाकी धूप है, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे 5-5 मिनट वाला सिस्टम है कि कभी धूप आ गई कभी बारिश आ गई। तो बहुत बहुत बड़े कल्चरल शॉक लगे, बाद में यूनिवर्सिटी घुसने के बाद भी अलग कल्चरल शॉक लगे, पर स्टार्टिंग में तो ये था मेरा, ये जर्नी थी स्टार्टिंग में। अच्छा, नहीं बिल्कुल, मैं मैनचेस्टर आया था और मुझे बोला गया था कि आप मैनचेस्टर में हो, हाँ तो इन मैनचेस्टर आपको जैसे इंडिया में अपने जैसे आपने डिस्क्राइब किया ना सीजन्स होते हैं, हाँ हमारे यहाँ एक दिन में आप चारों सीजन देख सकते हो हाँ और आप यकीन मानो ये सच्चाई है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है, आप एक ही दिन में चारों सीजन देख सकते हो, जैसे गर्मी फिर बारिश और ठंड और ठंड, गर्मी हाँ सब सब मिल जाएगा आपको एक साथ, एग्जैक्टली जबकि अपने यहाँ होता है ना कि हाँ ये रेनी सीजन है, हाँ ये विंटर हाँ है, हाँ ये समर है, आई थिंक यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे होते हैं टाइम के लिए, बट एक्चुअली मेरे लिए तो बहुत जरूरी था और ट्रू था कि मैनचेस्टर में आपको एक दिन में चारों सीजन मिल जाएंगे, आई थिंक दैट्स रियली रियली अमेजिंग टू सी, आई थिंक आपका ग्लासगो में भी सेम था, कमिंग फ्रॉम नागपुर पुणे, आई थिंक हाँ इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, वेरी अपने यहाँ तो डिफरेंट जैसे थिंग मैं आया था यहाँ पे तो ऊपर देखा था वो सीलिंग तो कुछ था ही नहीं, मैं बोला यहाँ से पंखा कहाँ चला रहा है कोई यहाँ पे पंखे नहीं होते, और आई थिंक बाद में पता चला यहाँ पे हीटिंग होती हीटिंग, है पंखे नहीं होते हाँ,